नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन प्राचीन ज्ञान में स्वागत है। सभी बहन भाइयों को जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कहीं दूर एक गोत नामक एक संत रहा करते थे। इसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत ही प्यार किया करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह शांत भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनके बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी, फिर से वह सामान्य हो गए। लड़के का शव आया, तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटकर मौत के घाट उतार दिया है। अब आप ही बताएं, मैं इस सांप के साथ कैसा व्यवहार करूं? क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काटकर मार दूं या फिर तेल में डालकर इसे तल दूं? संत महाराज जी ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी ना करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को भी कष्ट पहुंचाया जाए या फिर उसको मार दिया जाए। अब इसको मार देने से क्या फायदा है? मेरा बेटा तो इसके मारने से जीवित नहीं हो सकता, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको कष्ट क्यों पहुंचाया जाए? इसको जो अच्छा लगे उसने वह किया और सांप को छोड़ दिया। संत और शिकारी की बात सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे का मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया ताकि मैं आपके बेटे को डस लूं, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, तभी मृत्यु के देवता भी वहां आ पहुंचे। मृत्यु के देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता, आपके बेटे के मौत का कारण भी मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया था कि आपके बेटे की जान ली जाए, इसलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा देता रहा। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं दोषी हूँ। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वह ही होता है। हम सब काल के अनुसार ही काम करते हैं। उस सब में हम सबका किसी का दोष नहीं होता। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक यह खुद को सही बता रहे थे, तभी वहीं पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम सब मुझे दोष क्यों देते हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के की मौत का कारण भी मैं नहीं हूँ, ना ही ये सांप है और ना ही ये मृत्यु का देवता है। इस लड़के के मौत का कारण इसके पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं। जो भी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। उसे सुख दुख, अच्छा बुरा उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है, हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। दोस्तों, कर्म ही हमारे जीवन का
सबसे महत्व रखता है। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी को काम करके हम किसी को गलत कर्म करके दुख देते हैं तो हमें भी अगले जन्म में कहीं ना कहीं दुख मिलेगा ही। अगर हम किसी को परोपकार की भावना से कर्म करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा। तो ऐसा कोई भी ऐसा कर्म ना हो कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी की आत्मा को दुख पहुंचे। जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा, किसी को दुख देते हैं तो हमें भी दुख जरूर मिलेगा। वहीं अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ कर लाए और हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद।